अस्सलाम वालेकुम, आपको हमारे YouTube चैनल, हमारे किचन, हमारे Facebook पेज माजी के जायके में खुश आमदेद। आज बहुत बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रही हूँ। वीडियो की बहुत ज़्यादा मेरे पास जिसे कहना चाहिए कि फरमाइश आई हुई थी और टाइम बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं सकी हूँ। अब आपको एक खुशखबरी ये भी देनी है कि जो रेसिपीज़ मैं आपको बताती हूँ वो आपको हमारे कैफ़े जो रॉचडेल में है, MJKZ माजी के जायके के नाम से, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो अगर आप नहीं बनाना चाहते या कभी नहीं बनाने का दिल चाहता तो सेम टेस्ट और रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो आपको हमारे अब कैफ़े पे अवेलेबल होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट है। मैं बनाने लगी हूँ आज पंजीरी, उसमें कुछ हर्बल मेडिसन भी हैं, तो मैंने साथ तैयारी भी शुरू की हुई है। जैसे मैंने ये छुआरी भिगो के धो के रखे हुए हैं, खोपरा आहिस्ता आहिस्ता काट रही हूँ, कोकोनट आप चाहें तो पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। तो मैं बनाती भी चाहती हूँ, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, रेसिपी काफ़ी लेंथी है, तो मैं बनाती भी चाहती हूँ और मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर भी करती जाती हूँ कि किसके क्या फ़ायदे भी हैं और क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये देखें कि ये मैंने निकाला हुआ है घर का निकला हुआ देसी घी, ये मैं साथ डालूँगी। मैं जल्दी जल्दी बनाती भी जाऊंगी और साथ साथ आपसे बातें भी करती जाऊंगी। मैं बना रही हूँ 1.5 किलो फाइन सूजी की। तो हर चीज़ को हमें भूनना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो इसको हमने बहुत ज़्यादा देर तक रखना होता है, इसलिए ख़राब नहीं होती, आप इसको 6-8-10 महीने रख के खा सकते हैं। दूसरा इसका तरीका ये भी है कि चीज़ें में जो नरमी होती है वो निकल जाती है और अच्छी क्रिस्पी चीज़ें बन जाती हैं। मैं बना रही हूँ, आप इसकी तादाद कम या ज़्यादा ड्राई फ्रूट को अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके मैं टिप देती जाऊँगी। सबसे पहले ये देखिए, मैंने सूजी को बहुत कम घी में इतना भूनना है कि वो भुरभुरी सी रह जाए, मतलब चिपके ना, हलवे की तरह ना हो, सूजी के दाने अलहदा अलहदा हों। तो ये मैं थोड़ी थोड़ी करके भूनूंगी। 1.5 किलो सूजी का हिसाब से मैं बता रही हूँ और मैं भून भून के एक एयर टाइट चीज़ में ठंडी होने पे रख दूंगी। और अगर आप चाहें तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि लोग कहते हैं कि ये चीज़ें खाने से मोटे हो जाती हैं, अगर आप ये 1 या 2 टीस्पून चाय के साथ रोज़ाना लें तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप मोटे भी नहीं होंगे। तो ये सूजी भून रही हूँ मैं, तो अच्छी तरह भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जैसे ही सूजी भुनने लगी है और इसका कलर चेंज होने लगा है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून देसी घी का डाल दूंगी, थोड़ा सा साइड पे कर दूंगी कि जले ना। ये मैं बता दूं, 1.5 किलो की ये सारी सूजी नहीं है, इसको तकरीबन मैं 3 हिस्सों में फ्राई करूंगी, इसलिए कि मेरे पास जो नॉन स्टिक बर्तन है वो छोटा है। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें देसी घी का डाल दिया है, बहुत कम देसी घी इस्तेमाल करना है ताकि ये हलवे की तरह ना भुने, बिल्कुल अलहदा अलहदा रहे और अच्छी तरह से भुन जाए और स्मेल भी बहुत अच्छी आए। ये देखें, अच्छी तरह भुन गई है, देसी घी को भी हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसी तरह मैं थोड़ी थोड़ी करके सारी सूजी को भून लूँगी। और आपको एक बात ये भी बता दूँ कि ये जो पंजीरी है, आप मेरी वेबसाइट थोड़े दिनों में डेवलप हो रही है MJKZ कैफ़े के नाम से, तो उस पर आप ऑर्डर करके पूरे UK में आप ये मंगवा सकते हैं मार्च तक, नवंबर से मार्च तक। इसलिए कि समर में मैं नहीं चाहती कि थोड़ी सी गर्मी से कुछ प्रॉब्लम हो, तो विंटर के सीज़न में आप ये ऑर्डर कर सकती हैं। ये देखें, अच्छी तरह सूजी भुन गई है। ये देखें, हमारी तकरीबन 1.5 किलो सूजी अच्छी सी भुन गई है, तकरीबन मैंने इसको तकरीबन कह सकते हैं, मैंने 2-2 टेबलस्पून 3 बैच में देसी घी डाल के इसको फ्राई किया है। अब मैं बाकी सारा ड्राई फ्रूट और हर्ब्स को फ्राई करूँगी। आप चाहें तो ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया है देसी घी दोबारा, आप चाहें तो इसको पहले फ्राई कर लें बाद में सारे ड्राई फ्रूट को करें। मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी कि मैं किस किस तरह कर रही हूँ। ये देखें, जो मैंने कोकोनट को किया था, भिगो के धो के रखा था, उसको मैंने कितना बारीक बारीक काट लिया, जितना अच्छा और बारीक कटा होगा उतना ही आपको च्यू नहीं करना पड़ेगा। मैं ज़्यादातर पिसे हुई चीज़ें यूज़ करूँगी ताकि मेरे बेटे बिट्स नहीं खाते हैं, आप चाहें तो आप इनको बारीक बारीक काट के भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो साथ में कोकोनट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं।
मैं दोनों चीज़ें इस्तेमाल करके आपको दिखा रही हूँ। इनको अच्छी तरह फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। ये डाइस कोकोनट था और इसके साथ जो पिसा हुआ खोपरा था वो भी था, मैंने कटिंग भी किया था, तो तकरीबन ये 1.5 कप था। इसको मैं फिर सेपरेट करके उसी में मिक्स कर देती हूँ जो हमने सूजी ब्राउन की हुई है। और अगला स्टेप करती हूँ। अब सारा ड्राई फ्रूट जो है उसकी बारी है। मैं पहले इन सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट करूँगी कि बिल्कुल मैंने आपको जैसे दिखाया था कि मैंने साफ़ करके और उसको रखा ड्राई रोस्ट करने के बाद। आप चाहें तो आप उसकी कटिंग कर सकते हैं, मैं कटिंग नहीं करूँगी, मेरे बच्चे बिट्स नहीं खाते हैं, तो मैं जो करूँगी मैं उसको थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि मोटा मोटा पीस लूँ। और क्वान्टिटी जो है ड्राई फ्रूट्स की आप वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये मैंने 1/2 कप 3 टाइम यानी कि 1.5 कप ऑलमंड्स बादाम लिए हैं। मैंने इनको अच्छी तरह आपको पता है साफ करके बॉटल्स में रखा हुआ था, तो इससे ये होगा ड्राई रोस्ट से किसका जो नमी है वो निकल जाएगी। ये जो है मेजरमेंट मैं 1/2 कप की यूज़ कर रही हूँ, तो ये तकरीबन 3 कप जो होंगे वो 1.5 कप बनेगा। 1/2 कप 1.5 कप मैंने बादाम लिए हैं, 1.5 कप ही मैंने कैश्यू नट्स यानी कि इसको उर्दू में काजू कहते हैं, काजू लिए हैं। ये 2 यानी कि 1 कप मैं लूँगी पिस्ता। नॉर्मली ये मैं सर्दियों के शुरू में बना लेती थी, पहले अपनी मदर इन लॉ के साथ बनाती थी, तो इस साल मुझे अकेले बनाने पड़ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा लेट बना रही हूँ। तकरीबन 1 कप मैंने पिस्टेशियो लिया है। अच्छी तरह हमने इनको बगैर उसके ड्राई कर बगैर घी के इनको किया है। हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह और साफ करके डालना है। अब ये 4 मगज़ हैं, ये भी तकरीबन 1.5 कप हमने ले लिया है। और अब सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके और जब ये हमारे 4 मगज़ भी अच्छी तरह ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इनको, आप चाहें तो कूट लें, मैं इनको थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीस के आपको दिखाऊंगी। अब मैं इनको पीसने लगी हूँ। उनको ठंडा करके मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लिया है। अब मैं 1 टेबल स्पून घी में उनको फ्राई कर लूँगी ताकि उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा हो जाए। और आप देख भी लें कि मैंने कितना मोटा उसको पीसा है, इसलिए देखें अब थोड़ा थोड़ा करके इसको मैं फ्राई करके सूजी और जो मैंने कोकोनट फ्राई की है उसके अंदर मिक्स कर दूंगी। 2 टेबल स्पून मैंने दोबारा देसी घी डाला है और तकरीबन इसमें मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से बता दूंगी कि 250 ग्राम मैंने फूल मखान डाल दिए फॉक्स नट्स। इनको अच्छी तरह फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी से हो जाएंगे। ये हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं और विटामिन डी से भरपूर हैं। ये सारा जो पंजीरी है बहुत हेल्थ के लिए हमारी गुड है। अगर हम देसी घी या इस तरह के ड्राई फ्रूट कोई ख़ास मिकदार में हेल्दी वे में लें तो ये जो है विटामिन ए डी विटामिन ई से भरपूर होते हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, आपने देखा घर का बना हुआ है तो घर की बनी हुई चीज़ तो वैसी ऑर्गेनिक और अच्छी होती है। इससे हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है, जो न्यूली मदर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी है। हमारा इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करता है, हमारी ये बॉडी को ये मजबूत करता है, खून में देसी घी नहीं जमता, डाइट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे भी हम इसमें पॉपी सीड खशखाश डालेंगे तो वो दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, हमारे स्टमक के लिए, तो ये एक भरपूर एनर्जी वाली चीज़ है। लेकिन ये है कि जो चीज़ आप ज़्यादा मिकदार में खाएंगे तो जाहिर है कि आपके वेट पे या आपके ब्लड में उसका इफ़ेक्ट होगा, तो बेहतर ये है कि थोड़ा थोड़ा सा करके आप खाएं, लेकिन इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा और ब्लड बहुत बनेगा। तो इनको अच्छा सा क्रिस्पी सा करना, उसके बाद वही है कि चाहे तो आप इनको पीस लें और चाहे तो इनको आप कूट लें। इनको मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, ये देखें ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, क्रंची और क्रिस्पी से हो गए हैं। अब मैं इनको फ्राई पीसती हूँ। फूल मखाने मैंने ड्राई ठंडे होने के लिए रख दिए हैं और पीस के फिर मैंने उनको सूजी वाले मिक्सचर में मिला देना है। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था
ये मैंने भिगो के रखे हुए थे, इनको अच्छी तरह से धो लिया। इनको पहले मैं ड्राई रोस्ट करके और फिर फ्राई करूँगी, पीस के फ्राई करूँगी। जब तक ये ड्राई रोस्ट हो रहे थे, फूल मखाने जो हैं उनको मैंने अच्छी तरह पीस के कूट के और अपने दूसरे मिक्सचर में शामिल कर दिया। ये देखें, अब इसमें से नमी निकल गई है। अब इनको मैं ठंडा करके पीस के फिर फ्राई करूँगी। भिगोने से थोड़े से छुआरे नरम भी हो जाते हैं, पीसने में आसानी भी होती है, और जो उनके ऊपर मिट्टी होती है कभी कभी तो वो भी ड्राई हो जाती है। एक टेबल स्पून मैंने देसी घी डाला है और उसके अंदर जो मैंने अभी ड्राई रोस्ट किए थे उनको पीस लिया है छुआरों को। तकरीबन ये छुआरे भी 1.5 कप के करीब मैंने छुआरे लिए थे। धो के ड्राई रोस्ट करने से ये होता है कि हमारे ड्राई फ्रूट क्रंची भी रहते हैं, साफ भी हो जाते हैं, और फिर जब उनको हम अंदर से फ्राई करते हैं तो वो जब पिसे हुए मोस्ट होते हैं, मोइस्ट जो हो जाते हैं, उससे ये होता है कि वो हम देर तक पंजीरी रख सकते हैं। ये देखें, ये अच्छी तरह हमारा फ्राई हो गया है, इसमें कोई नमी भी नहीं रही, टेस्ट में भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो अब मैं इसको सूजी वाले अपने मिक्सचर में मिक्स कर दूँगी। 1.5 कप ही मैंने ये ली है किशमिश, अच्छी तरह इसको धो लिया। इसको भी मैं 1 टीस्पून उसमें फ्राई कर लूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पंजीरी बनाई है, एंड पे मैं आपको दिखाऊँगी। आप चाहें तो आप हर चीज़ की मिकदार कम कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको थोड़ा या ज़्यादा कर सकते हैं। जो आपको चीज़ पसंद हो वो आप ज़्यादा डाल लें, या जो आपके पास हो वो ज़्यादा डाल लें, और जो नहीं है आप उसको कम कर सकते हैं। हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह साफ करके डालना है। ये देखें, ये हल्की सी इस पर ग्लेस आ गया देसी घी का हमारा। इसको अब हम उसी मिक्सचर में मिक्स कर देंगे। ये भी हमारे पास तकरीबन 1.5 कप थी। छुआरे और किशमिश डालने का हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हम ज़्यादा डालें तो फिर हमें उसमें शुगर कम डालनी पड़ती है और इसका टेस्ट जो है वैसे ही स्वीट हो जाता है। अब हमारे पास है 4 गोंद। 4 गोंद को जितना अच्छा फ्राई करेंगे वो इतनी अच्छी हमारे जो है वो कहना चाहिए कि जितना अच्छा हम फ्राई करेंगे उतनी अच्छी वो पिसेगी। खाते हुए ये लगता है कि इसमें हल्की सी किरक है, लेकिन ये गोंद होती है। इसको हमने बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और अब इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। और गोंद जो है दूसरे ड्राई फ्रूट की बनिस्बत थोड़े से ज़्यादा घी में फ्राई होती है। तो हल्की आंच पे बहुत आराम से आहिस्ता एहतियात से फ्राई करना है कि अगर कोई चीज़ इसमें सख्त रह जाएगी तो वो फिर पत्थर की तरह हमारे मुँह में आएगी। वैसे ये सख्त होती है, लेकिन अगर आप इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे तो फिर ये हाथ से भी बिल्कुल टूट जाती है। इसको इतना फ्राई करना है। और मैं फिर बता दूं, ये मैंने तकरीबन 1.5 कप ली है। 3 कप जो सारा ड्राई फ्रूट लिया है उसी हिसाब से ये मैंने ली है 1.5 कप। ये देखें, फूल के इसका रंग एकदम चेंज हो गया, और जैसे ये यही टूट जाएगी इस तरह की, ये देखें कैसे भुरभुरी सी हो गई है, जैसे मेल्ट हो गई हो फ्राई हो के। ये देखें, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखें, ये इसकी एंड शक्ल है फ्राई होने की। सबसे ज़्यादा फ्राई होने के लिए जो घी है वो गोंद ही लेती है, थोड़ी थोड़ी और ऐसी दानेदार हो जाती है। अच्छा, अब 2 टेबल स्पून खशखाश लेंगे हम। 2 कप हमने आधे आधे कप वाले, तो तकरीबन वो 1 कप खशखाश का बना है। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून घी का डालेंगे। ये देखें, घी जब मैंने आपको बनाना शुरू किया था दिखाना तो सब ताज़ा ताज़ा घर का निकला हुआ था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ठंड की वजह से यहाँ पे जम रहा है। आप चाहें तो इसको कूट के पीस के जैसे भी चाहें डाल सकते हैं। मैं जो हूँ ये पॉपी सीड्स यानी खशखाश को बस फ्राई करके ही सूजी के साथ मिक्स कर दूँगी। ये देखें, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बनाई है, ये मैं ऊपर लेयर डालती जा रही हूँ जैसे जैसे मेरी चीज़ें तैयार हो रही हैं। ये देखें, हमारी ये गोंद फ्राई होकर इस तरह बिल्कुल बारीक हो गई है पाउडर की तरह। अब तक हमारी आम सी पंजीरी चल रही थी, अब इसमें आएगा ट्विस्ट। इसमें हम डालेंगे अपनी थोड़ी सी हर्बल थिंग्स,
सबसे पहले हमने इसमें डाली है व्हाइट मूसली। ये तकरीबन देखिए स्टिक्स की तरह है, मैंने इसको मेजरमेंट तो नहीं की है, एक मुट्ठी कह लें या एक डोंगे का स्पून जो होता है ना सर्विंग स्पून, वो हमने डाला है। उसको हम अच्छी तरह फ्राई करके इसको भी बारीक पीस के हम डाल देंगे। खशखाश को फ्राई करने के बाद हमने मिक्सचर में मिक्स कर दिया। अब हम वाइट मूसली को अच्छी तरह फ्राई करके और इसका पाउडर बना के इसको भी मिक्स कर देंगे। हमने इतनी लेनी है कि जब हम इसका पाउडर बनाएं, ये पाउडर फॉर्म में भी मिलती है तो आप उसको भी फ्राई करके डाल सकते हैं। तो अगर आप पाउडर फॉर्म में डालें तो तकरीबन इसका पाउडर 3 टेबल स्पून होना चाहिए। मूसली हमारी फ्राई हो गई है। अब हमने जो देसी घी बचा हुआ था उसी में हम ये माजू फल होते हैं, इसके ऊपर कभी कभी कवर होता है, अगर वो सॉफ्ट सा कवर हो तो आप हटा लें। इसके मुझे इंग्लिश नहीं पता, लेकिन ये खरबल है और ये बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं डालते, 1.5 किलो है, तो इसमें मैं तकरीबन ये देखें 3 इस तरह डाल रही हूँ। इसके कोई होंगे देसी फ़ायदे, लेकिन ज़ाहिर है मेरी कुकिंग है माजी के स्टाइल की, तो ये जो उन्होंने हर्ब्स मुझे जब मैं आई थी तो साथ मुझे दे दी थी, तो फिर मैं उसी क्वांटिटी से इनको डालती हूँ। इनको भी अच्छी तरह से फ्राई करके पाउडर बना के और उसमें मिक्स कर लेंगे। मैं देख रही हूँ कि मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसको मैं अब जल्दी जल्दी करना चाहती हूँ ताकि आप लोग देखते हुए बोर ना हो। 2 मिनट अच्छी तरह फ्राई करने के बाद मैंने इसी उसमें काली मूसली डाल दी है। पहले सफ़ेद मूसली यूज़ की थी, ये देखिए ये काली मूसली है, ये बहुत अच्छी, इसमें बहुत डिफरेंट विटामिन होते हैं, हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी होती है। हमारी बॉडी की हर किस्म की ब्लड की और ये जो है ना ये चीज़ें वीकनेस ख़त्म कर देती हैं और हमारी हड्डियों को बहुत अच्छा और मजबूत बनाती हैं। देखें ये ब्लैक मूसली हमने कितनी लेनी है, काली मूसली जो है इतनी लेनी है कि इसका जो पाउडर है वो भी 3 टेबल स्पून के करीब बने, तो इसकी मेजरमेंट ये है। इसके बाद हम फ्राई करेंगे कमरकस, इसको हमने निकाल के ठंडा करके इसका पाउडर बना के और उसमें मिक्स कर लेना है सूजी के साथ। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है देसी घी का और उसमें मैं तकरीबन 1 कप कमरकस को फ्राई करूंगी। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये बैक पेन के लिए बहुत अच्छी है, और उसको अच्छा सा हमने फ्राई करके उसको भी ठंडा करके और सूजी के मिक्सचर में डाल लेना है। इसको भी हम ठंडा करके और बारीक बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में पीस लेंगे। ड्राई फ्रूट का आपके पास ऑप्शन है, ये देखिए इसमें कैसे रेड रेड कलर आया है। ड्राई फ्रूट का आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको काट के या कूट के जैसे मर्जी करें, लेकिन ये जो दवाइयां हैं इनको हम बिल्कुल बारीक इतना पीसेंगे कि अच्छी तरह हर चीज़ में मिक्स हो जाए पाउडर फॉर्म में। अब हमने 1 टेबल स्पून दोबारा डाला है और ये अब हम इसमें फ्राई करेंगे। ये कहलाती है रतन जोत और इससे हमारी पंजीरी का कलर बिल्कुल पिंक सा हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल इसने जैसे कलर छोड़ना शुरू कर दिया। ये एक हर्ब है और जैसे हम बेरीज कहते हैं कि हम रेड बेरीज खाएं, उससे हमारे ब्लड में बहुत बॉडी में बहुत ब्लड बनता है, तो इसी तरह रतन जोत से भी ये देखें बिल्कुल डालते ये पूरा पिंक पिंक सा हो गया। इसको हम अच्छी तरह फ्राई करके बिल्कुल बारीक कर लेंगे। ये देखें इस तरह इसने अपना कलर छोड़ा, तो आप ये देखें कि इसमें ब्लड बहुत अच्छी तरह से बॉडी में ब्लड बनता है। इसको ये देखें अच्छा सा फ्राई करके क्रिस्पी सा हो गया। ये पहले नरम पत्ते से थे, अब थोड़ी सी इनमें जान सी आ गई है, क्रिस्पी हो गए हैं इस तरह से ना ये, तो अब हम इसको भी ठंडा करके पीस लेंगे। ये देखें इतनी रेड है कि पीस के पूरा मेरा जो चार है वो बिल्कुल रेड हो गया। इसमें बहुत अच्छा ब्लड बनाने की सलाहियत है। ये देखें जहाँ जहाँ रतन जोत लगी है वहाँ से ये पंजीरी हमारी पिंक हो गई है। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह सूजी में मिक्स करेंगे। ये देखें कितना अच्छा और खूबसूरत इसका कलर आया है। हमारा देसी घी जो घर का निकला हुआ था वो भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, लेकिन साथ साथ मैं आपको क्वांटिटी बताते गई हूँ। अब इसका आखिरी मरहला ये है कि आप चाहें तो इसमें चीनी, चाहें तो देसी शक्कर, लेकिन मैं जो हूँ अपने टेस्ट के मुताबिक इस तरह का ये देसी गुड़ ले आई हूँ और ये मैं कूट के डालूँगी। ये
देखें जैकरी, 1.5 किलो गुड़ मैंने बिल्कुल बारीक बारीक करके इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर दिया। मैं आपको दिखाती हूँ इसका डिश। देखें हमारी मज़ेदार गिलवाइयों से भरपूर अंजीरी जो है वो तैयार है। आप चाहें तो आप इसमें कोई फ्रूट शुगर भी डाल सकते हैं। आपको इसमें गुड़ के बिट्स भी नज़र आ रहे हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली बार मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।